अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात करी थी? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। देखो यही था कि नहीं था वहां पे हमने एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, याद ही नहीं आ गए? तो आज हम फिर से क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, नोट डाउन करो वहां पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली इज गिवन बाय, और इक्वेशन लिखो वहां पे, एक्स इक्वल्स टू टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस क्या हो गया 10। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली इज गिवन बाय, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कितने टाइम इंटरवल में, फर्स्ट 4 सेकेंड में। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है 0 पे, कहां तक देखना है 4 सेकेंड तक। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया था, सबसे पहले मैंने लिखवाया था कि यहां पे हम क्या करते थे, डायग्राम ड्रॉ करते थे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 0 कर दो। बताओ टी की वैल्यू अगर 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, -10। अच्छा ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स मीटर में है और टाइम किस में, सेकेंड में। तो सबसे पहले यहां पे ड्रॉ करो ओरिजिन, और ओरिजिन पे सबसे पहले मार्क करो एक्स कोऑर्डिनेट -10। अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट -10 है तो यहां पे t की वैल्यू कितनी है, यहां पे t की वैल्यू 0। तो जब x कोऑर्डिनेट -10 होगा तो वहां पे t की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब मैंने क्या बोला था कि ये पार्टिकल कहां जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। तो अगले स्टेप में वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई dx/dt। अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं dx/dt तो t क्यूब का हो गया 3t स्क्वायर माइनस 60। देखो है कि नहीं, वहां पे t क्यूब का 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का 2t, 10 का 0। तो जो भी वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 3t स्क्वायर माइनस 60। अब बताओ इस इक्वेशन में अगर हम t की वैल्यू 0 पुट कर दें तो बताओ v की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। इसका मतलब है कि जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे पार्टिकल इनिशियली कैसा था, रेस्ट में था। अच्छा अब कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो पार्टिकल कहां जाता है, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ये डस्टर है, डस्टर अभी रेस्ट में, अगर इस डस्टर को हम छोड़ेंगे तो बताओ ये डस्टर कहां जाएगा, ये डस्टर जाएगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो इस डस्टर को अगर छोड़ेंगे तो डस्टर जी के अलोंग जाएगा। सिमिलरली अगर इस पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं टी को 0 पे तो ये पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अब बताओ डिफ्रेंशिएट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 60 - 6। देखो कि नहीं, वहां पर 60 - 6, t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन आ गया -6 m/s², और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव और नेगेटिव केवल इंडिकेट करते हैं उसको डायरेक्शन को। तो इनिशियली एक्सेलरेशन मेरा क्या है, इनिशियली एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है। इसका मतलब है कि t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा लेफ्ट की ओर। अच्छा जैसे ही पार्टिकल लेफ्ट की ओर चलना स्टार्ट करेगा तो उस केस में कुछ टाइम बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी। अच्छा हमें यह भी मालूम है कि एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन 0 करोगे तो टी की वैल्यू 1 सेकेंड, देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब तुम क्या बोलोगे, t की वैल्यू 1 सेकेंड पे
टी की वैल्यू 1 सेकंड पे एक्सलरेशन क्या हो गया 0, और जब तक एक्सलरेशन 0 नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, जब तक एक्सलरेशन 0 नहीं होगा तब तक वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा अब बताओ इसके बाद क्या होगा, टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल चलना स्टार्ट किया लेफ्ट की ओर। अब मैंने क्या बोला, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अभी तक अगर देखोगे तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अभी एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 सेकंड होगी, जैसे ही टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ए तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा तो वो पार्टिकल को रिटार्ड कराएगा, और एक टाइम आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। तो पहले पार्टिकल वहां पे क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसके बाद ये पार्टिकल वहां पे रिटार्ड कर रहा है। अच्छा पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी, तो यहां पे वेलोसिटी को अब 0 करो। बताओ वेलोसिटी को 0 करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी 3t t - 2। देखो एक ही नहीं, वहां पर रिलेशन था 3t² - 6t, 3t कॉमन लोगे तो रिजल्ट हो जाएगा t माइनस क्या हो गया 2। अब वेलोसिटी अगर 0 करोगे तो एक तो वैल्यू निकल के आएगी टी इक्वल्स टू 0, दूसरा आएगा t - 2 0, तो t की वैल्यू 2। तो दो टाइम पे वेलोसिटी 0 थी, एक तो थी t इक्वल्स 0 पे, और अगेन वेलोसिटी 0 होगी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। अब जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो इस इक्वेशन से मिलेगा। अब t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 4 × 3 - 12 - 10। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में जो x आ जाएगा बताओ वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -22 + 8, तो चेक करो -14 है कि नहीं है वहां पे। अच्छा यहां पे x कोऑर्डिनेट हो गया है -14। अब ध्यान रखना पार्टिकल यहां पे रेस्ट में आया है किसी इंस्टेंट के लिए, लेकिन बताओ पार्टिकल यहां पे अब परमानेंटली रुका रहेगा क्या। अगर पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी जरूर 0 ही है, लेकिन उस टाइम पे एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन मेरा वहां पे क्या है, पॉजिटिव है। और टी इक्वल्स टू जैसे टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी ए हमेशा पॉजिटिव होगा, और ए अगर हमेशा पॉजिटिव है तो अब ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली जा रहा है कहां पे, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। तो ध्यान ना इसके बाद अगर देखोगे, इसके अगर हम टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद वी और ए दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। इसका मतलब पार्टिकल अगेन एक्सेलरेट करेगा, और इसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। तो 0 से 1 सेकेंड पार्टिकल एक्सेलरेट किया, 1 से 2 पार्टिकल रिटार्ड किया, और जैसे ही टी की वैल्यू, जैसे ही वहां पे टी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, जैसे ही वैल्यू टी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो उसके बाद पार्टिकल अगेन वहां पे क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। तो 0 से 1 एक्सेलरेट करेगा, आफ्टर 1 सेकंड एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज किया तो वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा, उसके बाद फिर ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करेगा। अब हमें कहां पे कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टी इक्वल्स टू 4 सेकंड पे, तो टी की वैल्यू 4 पुट करो तो कितना हो जाएगा 16 - 64 - 16 × 3 - 48 - 10। बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ गई 58 + 6, ये 6 है कि नहीं है।
तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे अगर देखोगे तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 6 मीटर हो चुका होगा। अब बताओ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। अब बताओ डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? तो पहले पार्टिकल माइनस 10 पे था, माइनस 10 से माइनस 14 गया तो 4 पीछे गया, फिर माइनस 14 से ओरिजिन तक आया तो 14 चल लिया, फिर उसके बाद फर्दर कितना 6, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो यहां पे 24 मीटर होगा। समझ में? यहां पे माइनस 10 से माइनस 14, तो 4 इधर गया, फिर 14 इधर और 6, तो टोटल डिस्टेंस 24। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं किसके, डिस्प्लेसमेंट की, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे? पार्टिकल माइनस 10 पे था, माइनस 10 से कहां चला गया प्लस 6, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ये डिस्टेंस 10, ये 6, तो जो भी पार्टिकल रहेगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर रहा होगा। माइनस 10 पे है, माइनस 10 से 6 की ओर जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो डिस्टेंस 24 है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वहां पे 16 है। इसी तरह से न्यूमेरिकल हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और लिखो, वहां पे लिखो भाई क्वेश्चन, वहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, तो लिखो वहां पे द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिलेटेड टू टाइम टी एस, रिलेटेड टू टाइम टी एस। तो अब इक्वेशन लिखो वहां पे, जो भी पार्टिकल है उसकी इक्वेशन लिखी गई है वहां पे एक्स इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिलेटेड टू टाइम टी एस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टाइम टी इज इन सेकेंड। अब क्वेश्चन के नंबर ऑफ पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, लिख लो वहां पे, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एट व्हाट इंस्टेंट डज इट अटेन इट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द पार्टिकल एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट। लास्ट पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द इंटरवल t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब देखो सबसे पहले हम पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे ओरिजिन ड्रॉ कर दो, ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन। अब ये देख के ही पता चल रहा है कि यहां पे अगर टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 0। तो जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है उस टाइम पे पार्टिकल ओरिजिन पे। अब ये पार्टिकल कहां जा रहा है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी हो जाएगी dx बाय dt, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो गया 4t माइनस 3t स्क्वायर, 4t माइनस 3t स्क्वायर। देखो एक ही नहीं वहां पे। अच्छा
अब टी की जो भी वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी आ रही है 4t माइनस 3t स्क्वायर, यहां पे टी की वैल्यू जीरो कर दो। अब बताओ यहां पे अगर मैं टी की वैल्यू जीरो करूंगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टी की वैल्यू जीरो तो वेलोसिटी भी वहां पे क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब है कि पार्टिकल अभी रेस्ट में। अब पार्टिकल किसके अलोंग चलेगा, तो पार्टिकल चलेगा एक्सेलरेशन के अलोंग। तो जैसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है सेम वैसा ही है यहां पे। अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 4t का 1 माइनस 6t। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो भी एक्सेलरेशन रहेगा एक्सेलरेशन हो जाएगा वहां पे कितना, 4 माइनस 60। अब टी की वैल्यू वहां पे करो जीरो, बताओ क्या होगा। अगर मैं टी की वैल्यू जीरो करता हूं तो एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव आता है। इसका मतलब है कि जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे एक्सेलरेशन राइट की ओर है, और मैंने क्या बोला था, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा अब उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल क्या होगा, चलना स्टार्ट कर देगा वहां पे। अच्छा अब क्या करोगे वहां पे, कब तक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। भाई अभी तो पार्टिकल राइट की ओर चलना स्टार्ट करेगा, जैसे ही पार्टिकल राइट की ओर चलेगा वी और ए दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन कब तक वेलोसिटी बढ़ेगी, एक टाइम आएगा जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब ए की वैल्यू जीरो करो तो टी आ गया 4/6, 4/6 का मतलब हो गया 2/3 सेकेंड। तो जैसी टाइम की वैल्यू 2/3 सेकेंड होगी, जैसे ही टाइम की वैल्यू 2/3 सेकेंड होगी उस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन अब अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। और एक्सेलरेशन अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और एक टाइम आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब चेक करो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कब होगी, तो इसको लिखो जीरो, ये हो जाएगा 4t माइनस 3t स्क्वायर। अब अगले स्टेप में यहां से t कॉमन लो तो 4 माइनस 3t, देखो है कि नहीं वहां पे, 4t माइनस 3t स्क्वायर, यहां से v को जीरो करो और यहां से अब तुम्हें मिल जाएगा टाइम t। ध्यान ना, t की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक आएगी जीरो, दूसरी वैल्यू आएगी 4/3 सेकेंड। इसका मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी 4/3 सेकेंड। लेकिन हमें मालूम है कि जैसे ही टी की वैल्यू 2/3 को क्रॉस करेगी, एक्सेलरेशन जो रहेगा एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही टाइम 2/3 को क्रॉस करेगा ए जो रहेगा ए हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल नहीं, 2/3 पे ही था ना एक्चुअली, हाँ, जैसे ही 2/3 को क्रॉस किया टाइम एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन उसके बाद हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो यहां पे वेलोसिटी जीरो हुई है लेकिन पार्टिकल के पास अभी भी एक्सेलरेशन है। अब इसके बाद जो पार्टिकल रहेगा, पार्टिकल टर्न करेगा और पार्टिकल अब लेफ्ट की ओर चलना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद पार्टिकल कंटिन्यूअसली वहां पे क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो हम मोशन को कैसे समअप करेंगे, हम मोशन समअप करेंगे जीरो से लेके 2/3 तक पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, 2/3 से लेके 4/3 तक पार्टिकल रिटार्ड करता है, उसकी स्पीड घटती है। और जैसे ही टी की वैल्यू 4/3 क्रॉस करती है उसके बाद ये पार्टिकल अगेन वहां पे क्या कर जाता है, एक्सेलरेट कर जाता है। तो ये तुम्हारा पार्टिकल का वहां पे मोशन होगा। एक पार्ट यही था कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पार्टिकल ओरिजिन पे था,
ओरिजिन से राइट की ओर चलना स्टार्ट करता है, पहले एक्सेलरेट करता है फिर रिटार्ड करता है किसी टाइम पे, उसके बाद उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, उसके बाद ये पार्टिकल कंटिन्यूसली चलना स्टार्ट कर देता है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एट व्हाट टाइम डज इट अटेन इट। तो हमें मालूम है पार्टिकल ने मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है वो उसने अटेन किया है 4/3 पे। अब कितनी वैल्यू है यहां पे x की, तो पुट कर दो यहां पे, अब वैल्यू पुट करो तो इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/9 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64/27। अब x की वैल्यू चेक कर लो वहां पे, 27/36 96 - 64। देखो चेक करो x की वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया है आंसर 32/27 मीटर। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बोल रहा है द मैक्सिमम पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 32/27 और कब है टी इक्वल्स टू 4/3 पे। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल, वो हो गया। फिर बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। तो बताना है कि जो पहले 3 सेकेंड है, जो पहला 3 सेकेंड है उसमें पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो अब चेक करो, ये तो 4/3 था, अब चेक करो टी की वैल्यू 3 पे, यहां पुट करो टी की वैल्यू 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2/9 - 27। देखो है कि नहीं है, 9 2 18 -27, तो ये कितना आ गया -9। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जब t की वैल्यू कितनी है 3 सेकेंड है, तो उस टाइम पे x कोऑर्डिनेट -9 है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा, पहले पार्टिकल था 0 पे, है ना, 0 से ये 4/3 टाइम तक गया, तो यहां पे हुआ 32/27, फिर ये वापस आएगा 32/27 उसके बाद 9। देखो यही हमारा क्या है आंसर होगा वहां पे। अच्छा अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो चेक करना, एक बार कैलकुलेशन चेक करना, जो आंसर दिया है वो दिया है वहां पे 307/27। देखो है कि नहीं है, वहां पे 7/9, ये कितना हो जाएगा 7/9 63 6 18 18 6 243 + 64 437 10। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा वहां पे 307/27। ये तो हो गया डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां पे वैल्यू पुट करो टी की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 4 पे अगर चेक करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 16 16 into 2 32 -4 × 16 16 × 16 96। तो x जो रहेगा देखो -64। इसका मतलब है कि जब t की वैल्यू 4 होगी तो पार्टिकल होगा -64 पे, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा -64 मीटर। चेक करते हैं,
एक बार चेक करो मेरा कैलकुलेशन, हमारा कितना था 4, 4 का 16, 16 इंटू टू 32, अच्छा क्यूब है ना ये, तो 4 इंटू 4 16, 4 64, तो ये हो जाएगा वहां पे माइनस 32, तो इसको करेक्शन कर देना। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा वहां पे माइनस 32 मीटर। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वहां पे, व्हाट इज द पार्टिकल एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी क्या है, 3 सेकेंड में ना, तो देखो 3 सेकेंड में हमें कैलकुलेट करना है एक तो एवरेज स्पीड और दूसरा हमें कैलकुलेट क्या करना है, दूसरा हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, कहां पे कैलकुलेट करना है, टी इक्वल्स टू, एक बार देखो जरा, टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। तो अब 3 सेकेंड तक बताओ पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 307 डिवाइडेड बाय 27 अपॉन 3। देखो यही एवरेज स्पीड है कि नहीं, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 से -9, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -9 टाइम 3, तो ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी माइनस 3 है और एवरेज स्पीड आती है, एक बार चेक करना 307 बाय कितना 81। फिर नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पार्टिकल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि जब एक्स कोऑर्डिनेट इसका मैक्सिमम था पॉजिटिव, तो टाइम 4/3 थी, तो उस टाइम पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, तो अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन मालूम है, पुट कर दो 4 - 6, टी कितना, टी हो गया 4/3, तो ये हो जाएगा कितना 3, 2, 4 + 8, 4 - 8, तो ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द इंटरवल 2 to 4। हमें 2 to 4 के बीच में कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन। अब याद होगा जो एवरेज एक्सेलरेशन था, जो भी एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो होता है डेल्टा वी बाय क्या हो गया डेल्टा टी। कहां से कहां देखना है, हमें देखना है बिटवीन टाइम इंटरवल 2 to 4। हमें जो टाइम इंटरवल लेना है वो लेना है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड। जो भी एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का है, तो हमें क्या करना है चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो पहले इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 2 पुट कर देना, बताओ टी 2 पुट करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी 8 - 3 × 4, तो वेलोसिटी आ गई -4। देखो है कि नहीं, वहां पर 4 × 2 = 8, माइनस क्या हो गया 3 × 4, तो इनिशियल वेलोसिटी -4, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू पुट करो तो 4 × 4 = 16, -16 × 3 = 48, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वहां पे कितनी -32। देखो चेक करो सही कि नहीं है, हमें कैलकुलेट क्या करना है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे -32 आई कैप, नेगेटिव साइन लेफ्ट की ओर, इनिशियल वेलोसिटी भी -4 आई कैप। अब डेल्टा वी चेक कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा -28 आई कैप, डिवाइड कर दो इसको 2 से,
तो चेक करो जो एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन आता है वो आता है -14 आई कैप, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्या करते हैं सॉल्व करते हैं जब भी हमें मोशन की इक्वेशन क्या होगी गिवन होगी। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एक बार हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो हर पार्ट हम क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छा अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है वो होता है एरिया के थ्रू भी कैलकुलेट करने का कि हम ग्राफ ड्रॉ करें एरिया कैलकुलेट करें। तो आगे पढ़ोगे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अगर दिया है वेलोसिटी टाइम दिया है तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, एक्सेलरेशन टाइम दिया है तो वेलोसिटी मिल जाता है। तो जब हम ग्राफ की बात कर लेंगे तो फिर से हम इन्हीं में से एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जहां पे हम ग्राफ के थ्रू या तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। समझ में? अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ग्राफ के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो हम इसी तरह से मोशन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे वहां पे कैलकुलेट करेंगे। देखो इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब देखो अभी तक हम लोगों ने बात करी किसकी, अभी तक हम लोगों ने बात करी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, फिर हमने सॉल्व किए न्यूमेरिकल, है ना। अब नेक्स्ट यहां पे हम बात कर रहे हैं मोशन की, काइनेटिक्स में वैसे हम बात करते हैं मोशन की। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, काइनेटिक्स में हम बात करते हैं उस पार्टिकल की जो पार्टिकल मेरा मोशन में है, तो हम क्या बोलते हैं अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो वहां पे दो केस बनते हैं। हो सकता है पार्टिकल मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या फिर पार्टिकल की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो। अब पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वहां पे कई बार क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछता है, या फिर कई बार क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया होगा तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा, तो वहां पे जो हमें न्यूमेरिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है वो यूज करना पड़ता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं अगर पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। लेकिन वेलोसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब है कि पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड है। जो भी पार्टिकल है पार्टिकल का मोशन यहां पे क्या है एक्सेलरेटेड है। अब मोशन अगर एक्सेलरेटेड है तो अगेन यहां पे दो केस बनेंगे। अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो अगेन यहां पे क्या बन रहा है दो केस बन रहे हैं। पहला केस क्या बन रहा है, पहला केस बन रहा है कि जो भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। और ध्यान अभी हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन की। तो अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वहां पे दो केस होंगे, या तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा या फिर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वहां पे कई बार क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, कई बार क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी पूछेगा। तो याद क्या रखना है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वहां पे हमेशा हम यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये फॉर्मूले कब एप्लीकेबल होते हैं, ये फॉर्मूले या ये इक्वेशन एप्लीकेबल होती है जब एक्सेलरेशन मेरा
कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। क्योंकि इनमें से अगर कोई भी चीज चेंज हो गई तो फिर वो एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है तो वहां पे भी अगेन हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम कैलकुलेट करना होगा, लेकिन यहां पे हमें फिर इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। तो अभी तुम केवल इतना ध्यान रखो कि इंटीग्रेट कब करना पड़ेगा और इंटीग्रेट कब करना नहीं पड़ता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां पे हमेशा इंटीग्रेट करके ही हम वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो, वहां पे पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो एक डायग्राम ड्रॉ करो। मान लो यहां पे एक पार्टिकल है और t इक्वल्स टू जीरो पे ये पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो पार्टिकल अभी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है राइट की ओर विथ इनिशियल वेलोसिटी यू एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। अच्छा, अब ये पार्टिकल की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। टी टाइम बाद अगर देखोगे तो टी टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी वहां पे आ गई वी। तो टी इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी यू थी, टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या आ गई, वी। अब हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती थी। देखो है कि नहीं वहां पर, और वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। सिमिलरली एक्सेलरेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें, तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन मिलेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। अब किसी टी टाइम पे अगर देखोगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए है, और जो भी एक्सेलरेशन ए होगा उसको हम लिख सकते हैं डीवी बाय डीटी। किसी भी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है उसको हम लिख सकते हैं डीवी बाय डीटी। अब मैंने क्या बोला है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने जाओगे तो टर्म को सेपरेट आउट करो और अब इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट करने जाओगे तो एक कांस्टेंट है, बचेगा केवल क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीटी। अब लिमिट क्या पुट करोगे, हम बोलेंगे जब टी की वैल्यू जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी यू है, जब टाइम टी है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी वहां पे वी, डीवी का क्या हो गया, वी। लिमिट पुट करो यहां पे ए, डीटी का टी, जीरो से टी। अब लिमिट पुट करो, टर्म को उधर लेके जाओ तो वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, तो वी आ जाता है वहां पे यू प्लस ए टी से। तो ये जो रिजल्ट रहता है, ये रिजल्ट देता है वहां पे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी। तो जो भी फाइनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हो जाता है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है टी टाइम बाद, ये रिजल्ट बता रहा है टी टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी। देखो है कि नहीं है वहां पर,
अच्छा, अब जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगले स्टेप में अब हम लिख रहे हैं ds by dt. v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी को लिखो वहां पे ds by dt किसके बराबर, u plus at के बराबर. अब टर्म को सेपरेट आउट करो तो अगले स्टेप में आएगा ds equals to u plus at into dt. जो भी ds रहेगा, ds की वैल्यू हो जाएगी u इंटू डी टी प्लस क्या हो गया, at इंटू डी टी. हमें क्या करना है, वेलोसिटी को हमने ds by dt लिखा. अगर s मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो t टाइम बाद अगर देखोगे तो यहां पे पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो गया होगा. अब कैसे मिलेगा वहां पे, तो वहां पे जब कैलकुलेट करने जाओगे तो अब क्या करें, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. टर्म को सेपरेट आउट कर दो, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, जीरो से टी, जीरो से एस. तो ds का हो गया s, यहां पे इंटीग्रेट करोगे, u तो कांस्टेंट है dt का, t प्लस a कांस्टेंट t का t स्क्वायर बाय 2. अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्लियर, तो ये इक्वेशन हमें क्या देगी, ये इक्वेशन देगी t टाइम बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट. फिर जो थर्ड इक्वेशन आती है वो कैसे आती है, जो भी एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन को हमने क्या लिखा था, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन को लिखा था dv बाय dt. अब मान लो इसको हम ds डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर रहे हैं, ds से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो ds बाय dt रहेगी ये हो जाएगा v इंटू dv बाय ds इक्वल्स टू a. फिर से टर्म को सेपरेट आउट करो और इसको इंटीग्रेट करो. कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जीरो, बाद में डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल वेलोसिटी u, बाद में v, v का v स्क्वायर बाय 2 u से v a, ds का s. तो जो इक्वेशन निकल के आती है, इक्वेशन निकल के आती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, 2 को उधर लेके जाओ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारी वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद, s डिस्प्लेसमेंट के बाद. तो एग्जाम में डेरिवेशन आता है, एक बार तुम लोग डेरिवेशन फिर से करके देख लेना. एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया. थर्ड इक्वेशन में हमने एक्सेलरेशन को लिखा v इंटू डीवी बाय ds और उसको वहां पे हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया. अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की, इनको हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज करते हैं, या तो x के अलोंग या फिर y के अलोंग. जैसे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, हमारे पास एक पार्टिकल है और जो भी पार्टिकल है ये पार्टिकल किसके अलोंग चल रहा है, ये पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग चल रहा है. जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, मान लो t इक्वल्स टू जीरो पे, तो पार्टिकल पहले से ही कुछ कोऑर्डिनेट कवर कर चुका था x नॉट, ये ओरिजिन है. तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो x नॉट है, x नॉट पार्टिकल का इनिशियल कोऑर्डिनेट है. अब t टाइम बाद अगर देखोगे तो पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया होगा, इसके पास वेलोसिटी जो रहेगी इसको बोलो vx, तो vx मेरी फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है, और इनिशियल जो वेलोसिटी रहेगी इसको हम डिनोट करेंगे अब v नॉट x है. हम फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस at की बात करें या फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at की स्क्वायर की बात करें, हम सिंबल क्या यूज करने जा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे v नॉट x से.
फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे vx से अगर पार्टिकल x के अलोंग चल रहा है। x के अलोंग जो एक्सेलरेशन रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे ax से। तो पहला जो रिजल्ट रहेगा, पहला रिजल्ट हो जाएगा vx इक्वल्स टू u की जगह लिखो वहां पे v नॉट x प्लस ax इंटू टी। देखो है कि नहीं है। ये रिजल्ट क्या बता रहा है? ये रिजल्ट बता रहा है फाइनल वेलोसिटी x के अलोंग, v नॉट x इनिशियल वेलोसिटी और ax तुम्हारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन। अच्छा अभी इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो u क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो गया v नॉट x t। एक्सेलरेशन हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ध्यान ना, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स नॉट है, ये कोऑर्डिनेट एक्स है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे? डायग्राम में देखो एक्स माइनस एक्स नॉट लिखेंगे। ये एक्स नॉट है, ये पूरा एक्स है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। इसका मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन आती है वो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट आती है। एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट उधर लेके जाओ प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे किसके टर्म में? हम टर्म कोऑर्डिनेट के यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए एस। एस का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स नॉट। तो अब जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर सॉल्व कर रहे हो तो रिलेशन यही बनेगा। अगर मान लो हम यूज कर रहे हैं यही इक्वेशन किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग रिलेशन क्या बन जाएगा? वी वाई इक्वल्स टू वी ओ वाई प्लस ए वाई इंटू टी। कोऑर्डिनेट के टर्म में वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नेक्स्ट जो रिलेशन आएगा वो आएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी ओ वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई माइनस वाई नॉट। तो यही इक्वेशन है जो हम यूज करेंगे किसके अलोंग? वाई के अलोंग। और ये इक्वेशन हम यूज करेंगे किसके अलोंग? एक्स के अलोंग। क्लियर? तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमेशा हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इक्वेशन यूज करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी इक्वेशन पे बेस्ड। जैसे देखो, मान लो हमारे पास बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 10 मीटर। हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है और यहां पे बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन है और ये पर्सन बॉल को वहां पे रिलीज कर रहा है। जो भी पर्सन है, पर्सन वहां पे बॉल को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। अब देखो, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें एजम्पशन लेना है। क्या एजम्पशन लेना है? हमें एजम्पशन लेना है कि जो भी बिल्डिंग की हाइट है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर और ये हाइट कैसी है? 10 मीटर। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं? हाइट अगर स्मॉल होगी तो हम g के वेरिएशन को नेग्लेक्ट करेंगे और g को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो पहला एजम्पशन क्या है? जो भी हाइट रहेगी वो हाइट बहुत ही स्मॉल होगी। हाइट स्मॉल है इसका मतलब है कि जो भी एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर है और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट मेरा एजम्पशन क्या होता है? नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। जो भी एयर रेजिस्टेंस है उस एयर रेजिस्टेंस को यहां पे हमें क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है।
क्लियर। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे तो इस पार्टिकल के ऊपर अर्थ के कारण केवल एक ही फोर्स लगेगा mg, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, और अर्थ के फोर्स के कारण इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा g। अब कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल बिल्डिंग को, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है। अब क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछता है कितने टाइम बाद ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, या फिर जब ये पार्टिकल हिट करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना है। न्यूमेरिकल में अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है, अगर न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो ये ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन हम कहीं पर भी चूज कर सकते हैं। तो मान लो मैंने यहां पे ओरिजिन मान लिया, या फिर यहां पे या कहीं पे भी, तो मैं बिल्डिंग के बॉटम को ओरिजिन मान रहा हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अब साइन कन्वेंशन यूज करना है, तो पहले तो हम ओरिजिन फिक्स कर देंगे, उसके बाद साइन कन्वेंशन क्या है। तो ध्यान रखना जो भी ऊपर की ओर होगा पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव। तो जो भी साइन कन्वेंशन रहेगा वो यही लेके चलेंगे। अब बताओ पार्टिकल ऊपर जाए या पार्टिकल नीचे जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल में इसका साइन हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है पत्थर को हमने ऊपर थ्रो किया नीचे थ्रो किया, वो टेंथ में हम लोग करते थे कि कभी पॉजिटिव ले लिया कभी नेगेटिव ले लिया जी को, हमारे लिए जी हमेशा कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा। अब मान लो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने टाइम बाद ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि इक्वेशन जो तीन है उनमें से कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल हो पाएगी। पहली इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन की लिमिटेशन है कि वहां पर फाइनल वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, और बताओ यहां पे हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है क्या, नहीं। तो हमें केवल एक ही फॉर्मूला मालूम है वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब बताओ वाई नॉट क्या था, इनिशियल कोऑर्डिनेट, ये तुम्हारा ओरिजिन है। बताओ ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो इनिशियल कोऑर्डिनेट प्लस 10 है। रिलीज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो साइन लो नेगेटिव, टी टाइम बाद ये पार्टिकल ग्राउंड को टच कर गया, टच करेगा तो फाइनल कोऑर्डिनेट जीरो, इनिशियल कोऑर्डिनेट 10, फाइनल कोऑर्डिनेट जीरो। सॉल्व कर दो यहां से, टी की वैल्यू कितनी आएगी वहां पे, टी की वैल्यू आ जाएगी वहां पे √2 सेकेंड। देखो है कि नहीं, वहां जी लो 10, कैलकुलेशन को इजी करने लिए जी की वैल्यू हम ले रहे हैं वहां पे 10, तो टी यहां पे कितना आ गया √2 सेकेंड। अब इतने टाइम बाद पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी है, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं vy इक्वल्स टू वी ओ वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन नेगेटिव, टी √2, यही फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई -10√2 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी नीचे की ओर होगी, और इस साइन का कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट कर रहे होंगे इसके डायरेक्शन को। क्लियर है ना। अच्छा एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। एक काम करो, यहां पे बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की हाइट कर दो वहां पे 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कर दो यहां पे 50 मीटर, और अब हम पार्टिकल को रिलीज नहीं कर रहे। यहां पे एक पर्सन है और यहां पे एक पर्सन है, हो क्या रहा है टी इक्वल्स टू जीरो पे ये पर्सन एक पार्टिकल को नीचे की ओर थ्रो करता है 20 मीटर पर सेकेंड से।
ये जो ऑब्जर्वर है, ये पर्सन जो है वो पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर थ्रो कर रहा है, और उसी टाइम पे यहां पे एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है। तो इसने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे, इसने थ्रो किया 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि दोनों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहे हैं, दोनों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विल द पार्टिकल कोलाइड्स, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि विल द पार्टिकल कोलाइड्स, पार्टिकल कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर कोलाइड करेंगे तो कितने टाइम पे कोलाइड करेंगे। या फिर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जब वो कोलाइड करेंगे तो पार्टिकल की हाइट कितनी है ग्राउंड से। अच्छा, मैंने क्यों बोला कि कोलाइड करेंगे या कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि पहली एक पॉसिबिलिटी ये है कि पार्टिकल को हमने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से नीचे, उसी टाइम पे हमने एक और पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो किया। अब ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि जब तक ये पार्टिकल यहां पहुंचा उस टाइम पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर ये पार्टिकल और नीचे बढ़ा लेकिन उस टाइम पे ये पार्टिकल नीचे चलना स्टार्ट कर दिया, फिर ये पार्टिकल यहां पहुंचा, ये पार्टिकल यहां पहुंचा, और उस केस में कोलिजन नहीं होगा। देखो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, पार्टिकल के ये डिपेंड कर रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी के ऊपर। पार्टिकल की वेलोसिटी पहले जीरो हो गई, इसका जो ये पार्टिकल नीचे आने लगा, ये पार्टिकल नीचे गया और कोलिजन नहीं हो पाया। तो हमें चेक करना है कि कोलिजन होगा या कोलिजन नहीं होगा। तो बताओ हम कैसे बोले कि कोलिजन होगा या नहीं होगा, तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी जीरो कब होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो कब होगी। तो इस पार्टिकल को जो हमने थ्रो किया है 30 मीटर पर सेकेंड से, तो रिलेशन यूज करो, इनिशियल वेलोसिटी 30, जी नेगेटिव, टाइम टी वेलोसिटी जीरो, तो 3 सेकेंड बाद ये पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा, 3 सेकेंड के अंदर ये पार्टिकल कितनी हाइट गेन कर लेगा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 3 सेकेंड में पार्टिकल कितनी हाइट गेन करेगा। तो रिजल्ट क्या यूज करोगे, y इक्वल्स टू y नॉट प्लस वी ओ वाई टी, y नॉट जीरो, वेलोसिटी 30, टाइम 3 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस हाइट को मान लो y1। अच्छा, y1 कितना आ जाएगा, y1 हो जाएगा 90 माइनस 2 5 5 9 45, तो 45 मीटर पार्टिकल ऊपर जा चुका होगा। समझ में आ रहा है, जब ये पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी तो उस टाइम पार्टिकल 45 मीटर तक आ चुका होगा। कहां तक, ऊपर तक, 45 का मतलब यहां कहीं पहुंच गया होगा। बचा कितना, बचा डिस्टेंस ऊपर से 5 है, ये डिस्टेंस अगर 45 मीटर है तो ये 5 मीटर है। अब चेक करना है कि 3 सेकेंड में ये पार्टिकल 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तभी इक्वेशन S के फॉर्म में यूज कर लो चाहो तो S क्या हो जाएगा, UT, U हो गया माइनस 20, टाइम 3 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर चेक करोगे तो S की वैल्यू हो जाएगी माइनस 60 माइनस 5 9 45, तो ये तो हो जाएगा माइनस 105। इसका मतलब है कि 3 सेकेंड के अंदर जब तक ये पार्टिकल ऊपर जाता रहेगा उतने टाइम में तो ये पार्टिकल की टेंडेंसी क्या है, माइनस 105 नीचे आने की है। देखो है कि नहीं, वहां पर 20 × 3 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल 3 सेकेंड में ऊपर जाता रहेगा लेकिन उस टाइम में पार्टिकल की टेंडेंसी माइनस 105 नीचे आने की है, और ये तो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना, इतने टाइम में 3 सेकंड में पार्टिकल 105 नीचे आ सकता है।
और इसको ट्रेवल करना था केवल 5, इसका मतलब है कि इस केस में कोलिजन होगा। समझ में आएगी, समझ में आया। 3 सेकेंड तक पार्टिकल 45 मीटर ऊपर चला जाता है, ये डिस्टेंस 5 रह जाता है, तो हमें चेक करना है कि 3 सेकेंड में ये पार्टिकल 5 मीटर कवर कर पाता है कि नहीं कवर कर पाता है। तो हो क्या रहा है, ये 5 से ज़्यादा 105 तक जा सकता है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे यहाँ पे कि कोलिजन हो रहा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कोलिजन कहाँ हो रहा है, तो हमें देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो इसको ओरिजिन मान लो। इक्वेशन यूज करो y इक्वल्स टू y नॉट प्लस वी ओ वाई टी। फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है, अब इसको बोलो बॉल ए, इसको बोलो बॉल बी। मान लो दोनों बॉल यहां पे टकराई, जब दोनों बॉल टकराई तो मान लो इसकी हाइट h थी। पहले हम ये रिजल्ट यूज करते हैं बॉल बी के लिए, y नॉट 0, वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो साइन लेंगे पॉजिटिव, जी नेगेटिव, टी टाइम बाद जब ये हिट करेगा तो फाइनल कोऑर्डिनेट एच। अच्छा बॉल ए के लिए आओ, बॉल ए के लिए आओगे तो हम क्या बोलेंगे, बॉल ए के लिए हम बोलेंगे इनिशियल कोऑर्डिनेट 50, इनिशियल कोऑर्डिनेट 50। फिर क्या लिखोगे वहां पे, वेलोसिटी नीचे की ओर -20 -half जी टी स्क्वायर। टी टाइम बाद जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो बताओ अगेन फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, फाइनल कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन से लेना है और फाइनल कोऑर्डिनेट अभी भी कितना है एच। इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कर दो। बताओ जब दोनों को इक्वेट करूंगा तो ये टर्म कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट आ जाएगा 50 - 20t = 30t, 50t = 50, t की वैल्यू। तो 1 सेकेंड बाद कोलिजन हो जाएगा। अब 1 सेकेंड में हाइट कितनी रह गई, तो h हो जाएगा 30 - ½g · t², तो हाइट रहेगी 30 - 5, दैट इज 25 मीटर। इसका मतलब है कि जब कोलिजन होगा तो उस टाइम पे ये पार्टिकल ग्राउंड से 25 मीटर हाइट पे रहा होगा। देखो है कि नहीं है वहां पे, 30 * t - ½g · t². क्लियर। तो इस तरह से वहां पे हम काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हमें केवल यही देखना पड़ता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, फिर हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दो और इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखो। क्लियर है ना। तो आज जो मैंने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन डिस्कस करी है, अब तुम्हें एक तो रिलेशन डिराइव करना है, फिर से इन चीजों को रिवाइज कर लो, और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं मॉड्यूल में, कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं तो वो सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। तो इतना नोट डाउन कर लो और अगली क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल क्या करेंगे फिर सॉल्व करते हैं।